आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। पाकिस्तान जो पहले ही अलग अलग मुद्दों की वजह से पिछड़ा हुआ है, या फिर ये कहिए कि कंगाली के मुहाने पर है, प्रदर्शन चारों तरफ हो रहे हैं, पाकिस्तान सरकार की नाक में दम हो गया है, इन सब के बीच ही ये सिरदर्द और ज्यादा बढ़ गया है। बढ़ा कैसा है जान लीजिए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हंगामा हुआ और ये हंगामा सड़कों पर देखा गया, जहां पीटीआई कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर आए और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पीटीआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने फायरिंग भी की है। इमरान की रिहाई को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन इस वक्त जारी है। इमरान खान की तत्काल रिहाई की मांग हो रही है। पीटीआई कार्यकर्ता सड़कों पर आ रहे हैं। इस्लामाबाद में पुलिस से भिड़ गए पीटीआई वर्कर। फायरिंग पर मरियम नवाज का इमरान पर सीधे सीधे आरोप भी सामने आया है। मरियम कह रहे हैं इमरान अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसी ही अराजकता इससे पहले भी फैलाई गई थी क्या? 9 मई से भी भयंकर हालात हो जाएंगे क्या? ये सवाल रह रहकर अब सामने आ रहा है इन तस्वीरों को देखने के बाद। आप तस्वीरें देखेंगे, जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहीं दूर दूर तक आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी। दरअसल इस्लामाबाद में कोहराम इसलिए है, पीटीआई कार्यकर्ता सड़कों पर इसलिए है, क्योंकि उनका ये कहना है कि इमरान खान की रिहाई अब हम चाहते हैं। 2 हफ्ते का अल्टीमेटम भी दे दिया है। ऐसे में हजारों लाखों पीटीआई कार्यकर्ताओं ने एक साथ हल्ला बोल दिया है। इमरान खान की रिहाई को लेकर ये प्रदर्शन अब तेज हो गए हैं। ऐसे में पुलिस ने समर्थकों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। इमरान के समर्थकों पर पुलिस ने फायरिंग की है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है। पत्थरबाजी में 8 पुलिस वाले के जख्मी होने की खबर मिल रही है। इस्लामाबाद आने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए। 5 अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं इमरान खान। ऐसे में जो पीटीआई कार्यकर्ता हैं उनका पेशेंस जवाब दे रहा है, संयम जवाब दे रहा है। और ऐसे में 400 दिन से जेल में बंद इमरान खान को अब छुड़ाने के लिए, बाहर लाने के लिए विरोध सड़कों पर देखा जा रहा है। और पीटीआई कार्यकर्ता साफ कह रहे हैं अगर 2 हफ्ते के भीतर भीतर इमरान खान रिहा नहीं हुए तो फिर हम खुद रिहा करा लेंगे। जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द है। और इन्हीं कार्यकर्ताओं के जरिए पुलिस पर पथराव भी किया गया, जिसके जवाब में आंसू गैस के गोले भी छोड़े और हवाई फायरिंग भी की गई है वहां पुलिस के जरिए। शाबाश सरकार को, पीटीआई ने दे दी है सीधे सीधे धमकी। अली अमीन गंडापुर का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि 2 हफ्ते में इमरान को रिहा किया जाए, कानूनी तौर पर रिहा करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि कानूनी तरीके से ही इमरान खान को रिहा कीजिए, वरना हम खुद इमरान को जेल से रिहा करा लेंगे। वो कह रहे हैं कि किसी का बाप भी मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकता, पहले फौज वाले अपने अफसर ठीक करें। ये बड़े विद्रोही सुर हैं जो सामने आ रहे हैं। यहाँ अली अमीन सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं, 2 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम है अली अमीन, जो सीधे सीधे सड़कों पर आकर लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके बयान में सीधे सीधे जो अग्रेशन है वो नजर आ रहा है। और अली अमीन ये भी कहते हुए नजर आए कि आप सभी तैयार हैं ना इमरान को जेल से छुड़ाना है, और अगर इसके लिए जान भी देनी पड़े तो दे देंगे। अली अमीन कह रहे हैं पहली गोली मैं खाऊंगा, आप लोग तैयार रहिएगा। मिलिट्री ट्रायल होगा, ख्वाजा आसिफ तेरा बाप भी नहीं कर सकता, और जिन जिनको तू बाप समझता है वो भी नहीं कर सकते। कहता है जनरल फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद रबते रखे, और जनरल फैज हमीद हमें जहेज में मिला था, विरासत में मिला था, तुम्हारा पापा था, तुम्हारा जनरल था। अपना इदारा ठीक करो, अपने जनरल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। डीजीसी हमने बनाया, जनरल हमने बनाया, डीजीआई हमने बनाया। अब गलत करे हमारे खाते में, अच्छा करे तुम्हारे खाते में। अपना इदारा ठीक करो, अपने इदारे की इस्लाह करो। याद रखो, अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कहने पर उसके पीछे 7 लाख आवाम फौज देखती है, तो चीफ ऑफ अवामी स्टाफ इमरान खान की नजर के पीछे 25 करोड़ आवाम की नजर देखती है, और देखती है नहीं देखती है। पाकिस्तान के हालात पर यूं भी दुनिया के कई देशों की निगाह रहती है। पाकिस्तान जो लाचारी बेबसी वहां की आवाम झेल रही है, और पाकिस्तान सरकार अलग अलग सिरदर्द से जूझ रही है। अब ये बड़ा प्रदर्शन